कैसे हैं आप मुझे आज तो सबसे पहले ये बताइए कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग कंपनी अकाउंट्स के रेफरेंस में वो बातें हजम हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी होनी चाहिए मैंने आपको बड़े लाइट वे में वो तमाम बातें समझा दी जो कि कंपनी ऑर्डीनेंस एक एंटिटी की मैनेजमेंट से रिक्वायर करता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। अब ये तमाम बातें जो हमने लास्ट टू लेक्चर्स में पढ़ी थी ये ऑडिटर को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी इज पोस्ट टू मेंटेन एंड कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी And in which time period the financial statements should be presented and approved, and what are the time limitations for audit and approval of the financial statements and for issuance of the financial statements to the shareholders or Mazid, ke wo financial statements hamne. कमीशन को रजिस्ट्रार को और स्टॉक एक्सचेंज को भी तो भेजना होती है उसके बारे में भी जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हैं दो शुड बी नोन टू द ऑडिटर क्योंकि इन्हीं तमाम बातों के बारे में अल्टीमेटली ऑडिटर ने ओपिनियन फॉर्म करना होता है लिहाजा ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर को होना जरूरी है और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंतहाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसके अंदर ये तमाम बातें हमें मालूम होंगी तभी तो कल को आप चले ऑडिटर नहीं बनते लेकिन ऑडिट का जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो उस वक्त तक उसके तकाजे पूरे नहीं करेगा ये लेक्चर हमारा जब तक के आप उसकी तमाम बारीक बारीक प्रैक्टिकल नेचर की बातें भी नहीं समझ लेंगे तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग इसमें हम अभी बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर इसको स्टडी नहीं कर रहे बिल्कुल मेन मेन बातें जो हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट इसके अंदर बरकरार रखिए बातें ऑल दो कुछ थोड़ी सी खुश्क नेचर की हैं जिसके लिए आपको अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन बहरहाल हाल आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं है ना और एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है अपने सब्जेक्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है और फिर पढ़ता भी है डेली बेसिस पर और बैलेंस्ड स्टडी करता है यानी कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ गया और उसी को पढ़ना शुरू कर दिया बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स उसके एक सेमेस्टर में मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर बैलेंस्ड स्टडी होती है स्टूडेंट की ऐसा ही कर रहे हैं ना ओके अच्छा हम अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं मैं जिस तरतीब से आपको लेकर चल रहा हूं उसमें आज हमने एनटिटी के बारे में पढ़ना है और एंटिटी में जो इन्वायरमेंट होता है इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन तमाम की वाकफियत ऑडिटर को होना चाहिए एन ऑडिटर मस्ट हैव अवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों जी ऐसी क्या जरूरत पेश आई है कि एक ऑडिटर उस एंटिटी के बारे में तमाम खबरें रखता हो अभी आप देखेंगे कि इसके बारे में मैं आपको कितनी बारीक बारीक बातें बताता हूं कि एक ऑडिटर उस एंटिटी। एंटिटी मींस वो जो ऑडिट क्लाइंट है आपका जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं दैट इज योर एंटीटी जिसको कि आप एनटीटी के नाम से अब ऑनवर्ड्स अपने इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे इस एंटिटी को कुछ लोग एंटरप्राइज भी कहते हैं कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लफज एंटिटी का यूज करते हैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है एंटिटी इसके अंदर कोई बिजनेस एंटिटी है वो भी आ जाती है नॉन बिजनेस एंटिटी है वो भी आ जाती है लिहाजा लफज एंटिटी ही चलेगा ऑनवर्ड्स तो उस एंटिटी के बारे में आपके पास तमाम खबरें होनी चाहिए उस एंटिटी में जो इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल उसके बारे में आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्यों क्योंकि आपको याद होगा चंद लेक्चर्स पीछे की बात आपको याद करवाने हूं कि हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क होता है वो क्या होता है ऑडिट रिस्क याद करो हम्म मेटीरियल मिस स्टेटमेंट कोई मौजूद ना हो रिस्क इस चीज का कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद हो और ऑडिटर ओपिनियन दे दे लिहाजा इस बात से बचने के लिए कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद ना रह जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिटर अपनी उस ऑडिट क्लाइंट यानी कि उस एंटिटी की तमाम अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखता है और उसके इन्वायरमेंट की इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स उनके ऊपर अप्लाई करता है यहां पर मैं आपको इनफैक्ट आज जो पढ़ाना शुरू करने लगा यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग नंबर 315 हंड्रेड एंड फिफ्टीन आई एस ए ये हम इस वक्त डिस्कस करना शुरू करने लगे इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट उस एंटिटी की मालूमात हासिल करता है उस इन्वायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल जो उससे मुत्ल है उसकी मालूम किस तरह से ऑडिटर हासिल करता है इसके बारे में ये स्टैंडर्ड 315 हमें कुछ यूं बताता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल की जाती हैं कुछ अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल के ऑडिटर कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अपनाएगा और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ उसके पास ऐसी होंगी जिनके वजह से ऑडिटर को उस एंटिटी की इन्वायरमेंट के बारे में इंटरनल कंट्रोल के बारे में मालूमत हासिल हो जाएगी मजीद ऑडिटर उस एंटिटी की मालूम हासिल करने के लिए जो स्टेप्स उठाता है उसमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इनवायरमेंट इनक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल की बात भी आती है फिर की बात भी आती है फिर कम्युनिकेटिंग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की बात भी आती है और फिर लास्टली डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो ये तमाम बातें हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर पढ़नी है इन शाह तमें नेक्स्ट कोई एक दो लेक्चर्स हमारे चलेंगे इसलिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके और समझ समझकर आपने स्टैंडर्ड को पढ़ना है हैड्स आपके पास हैं आपने हैंडोर्ट से भी इसको बराबर स्टडी करते चले जाना है और लेक्चर्स में भी इन्वॉल्व रहना है अच्छा अब ये जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात की थी सबसे पहला पॉइंट उसकी तरफ मैं अब गुफ्तु शुरू करने लगा हूं और बाय द टाइम इंशाला मजीद आपको जो मैंने पांच पॉइंट्स बताए हैं इन सब को हम कवर करेंगे इनशाला और आपको पता चल जाएगा कि किसमें किस तरह से ऑडिटर स्टेप्स लेता है और अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है उस एंटिटी के बारे में फर्स्टली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात वो ये कि ऑडिटर ने यह तीन प्रोसीजर्स अपनाने होते हैं

उनकी जब इंक्वायरी ऑडिटर कर रहा होता है तो ऑडिटर को क्या नॉलेज हासिल होता है फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन अब इसमें सबसे पहले हम इंक्वायरीज की बात करते हैं वेन यू टॉक अबाउट इंक्वायरीज तो इनफैक्ट ऑडिटर इंक्वायर कर रहा है मैनेजमेंट ग्रुप को जो उस एंटिटी की मैनेजमेंट है लाइक डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सी एफ ओ जो कि उसका चीफ फाइनेंस ऑफिसर है इंक्वायरीज में फिर एंप्लॉइज भी आ जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर इवन मार्केटिंग मैनेजर अभी हम सारा देखेंगे कि किस किस्म के लोगों से इंक्वायरी करके ऑडिटर कौन सा नॉलेज हासिल करता है बहरहाल एक बात आप अपने जहन में रखिए कि ऑडिटर वो शख्स है जिसने अपने ऑडिट क्लाइंट यानी कि उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन देना है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनाई गई हैं वगैरह वगैरह अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर ने ओपिनियन देना है तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सीधी सीधी फिगर्स का काम है हम देख लें कि फिगर्स जो इसमें लिखी हुई है ठीक कैलकुलेट हुई हुई है और ठीक प्रेजेंट हुई हुई है इतना ही काम है सिर्फ ऑडिटर का नहीं इतना काम नहीं है फिगर्स अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फ्लो करती हैं ये सब कुछ मालूम होना चाहिए ऑडिटर को ये जब तक ऑडिटर को उस एंटिटी की इन्वायरमेंट के बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल नहीं हो जाता वो ये ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता कि इस एंटिटी की मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो फ्री फ्रॉम द मटेरियल में स्टेटमेंट है अब उस एंटिटी की मैनेजमेंट के पास ऑडिटर जाएगा उससे कुछ इंक्वायरी करेगा उस एंटिटी के एम्प्लॉज के पास जाएगा उनसे कुछ इंक्वायरीज करेगा और कुछ रिलेटेड पार्टीज होंगी उनसे इंक्वायरीज करेगा और एक नॉलेज हासिल करेगा फिर उस नॉलेज की बेस पर वो अपना ऑडिट प्लान बनाएगा और काम शुरू कर देगा ओके okay? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑडिटर जो इंक्वायरीज कर रहा है उनसे ऑडिटर को किस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल होती है पहली बात हम ये देख रहे हैं कि इंक्वायरी डायरेक्टरी टूवर्ड दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस अब उन लोगों की इंक्वायरी उन लोगों को इंक्वायर किया जा रहा है का मतलब वो लोग जो जुम्मेदार हैं उस कंपनी को चलाने के स्ट्यूअर्ड भी इसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सी एफ ओ यानी कि ये वो लोग हैं जो कंपनी को चलाने की जुम्मेदारी उठाते हैं देखिए कंपनी के बारे में ये बात जहन में रख लीजिए कि कंपनी हम जब भी बोलेंगे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यू you नो know वेरी वेल well, कि पब्लिक इंटरेस्ट मौजूद होता है और इसका एक ऑनर नहीं बेशुमार लोग ऑनर्स होते हैं अब वो जो बेशुमार लोग ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो तमाम मिलकर कंपनी को नहीं रन कर रहे होते ये तो ऐसे ही है ना कि आपने किसी एयरलाइन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो और आप बड़ा सीना चौड़ा करके जाएं उस एयरलाइन कंपनी के दफ्तर में और कहें जनाब मुझे टिकट दे, दे दें मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं वो आपको फ्री टिकट दे देंगे नेवर भले आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं लेकिन आप उस कंपनी के अफेयर्स को रन नहीं कर रहे यू आर नॉट चार्ज विद द गवर्नेंस आप पर उस कंपनी को गवर्न करने की जिम्मेदारियां नहीं है और ना ही इवन आपको डायरेक्टली उनके एम्प्लॉयज जानते होंगे कि आप शेयर होल्डर हैं या मेंबर हैं या ऑनर हैं इस कंपनी के क्योंकि आपने उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ अब वो डायरेक्टर्स जो हैं दे आर द पीपल आर चार्ज विद द गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब उन्होंने उस कंपनी के अफेयर्स को चलाने अच्छा यहां एक और बात भी जहन में रख लीजिए ये मैंने पहले भी एक दिन लेक्चर में कही थी आपको कि हम ऑडिटिंग में अब जब भी बात करेंगे किसी एनटीटी की तो वो कंपनी ही होगी यानी कि मैं यहां पर सोल प्रोप्रेटरशिप की बात नहीं कर रहा जब मैं एंटिटी की अब बात कर रहा हूं मैं यहां पर पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी और कंपनी में भी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे और ये बात आप मत भूलिए कि हम अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट ये वो कंपनी है जिसको ऑडिट करवाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और याद है ना वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको ऑडिट करवाना जरूरी है यस पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच आर सब्सिडी ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो के थ्री मिलियन या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल रखती है इसलिए अगर मैं अब सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूं तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं वो कंपनी जिसको ऑडिट करवाना है कॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस नाइनटीन एटी फोर क्लियर सो बात में यह कर रहा था कि ऑडिटर ने वो जो इंक्वायर करना है उन लोगों को जो लोग जुम्मेदार हैं कंपनी की गवर्नेंस के उस इंक्वायरी से ऑडिटर को हासिल क्या होता है वो ये कि सच इंक्वायरी मे हेल्प द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग द इनवायरमेंट इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर अब वो जो एनवायरनमेंट जिनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं वो एनवायरनमेंट तखलीक की होती है मैनेजमेंट ने यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिवेलप किया होता है मैनेजमेंट ने सी ने ये वो लोग हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में इंतहाई जुम्मेदार लोग हैं गवर्न कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में तमाम मैटर्स को अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करने के लिए और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज लगाई हुई होंगी और जो शख्स एक काम कर रहा होगा वो किसी दूसरे शख्स के काम में मदाखलत नहीं कर रहा होगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होंगी ये तमाम काम किसने सौंपे होंगे उन लोगों ने दो हैव बिन चार्ज विद द गवर्नेस बी ओडी या सी एफ ओ सो यहां पर यह बात आप समझ लीजिए कि ऑडिटर जब इन लोगों के पास जाता है जो लोग जुम्मेदार होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उन लोगों से ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस इन्वायरमेंट में बनाई जा रही हैं इंटरनल कंट्रोल किस किस्म का एस्टेब्लिश किया गया है ड्यूटीज सेग्रीगेट की गई हैं या नहीं की गई यह तमाम बातें उसको मैनेजमेंट को जब इंक्वायर करता है तो मालूम होती हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑडिटर इंक्वायर्स इंटरनल ऑडिट पर्सोनैल्स This may relate to their activities concerning the design and effectiveness of the entity's internal control and whether management has satisfactorily responded to any findings from these activities. Yani ab auditor ne internal control jab samaj liya, to internal audit personnel's अब वो जानना ये चाह रहा है कि जो मैनेजमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सी ने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाए हैं क्या वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है उन प्रोसीजर्स के मुताबिक ही तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है या नहीं उसके लिए अब ऑडिटर विल इंक्वायर द इंटरनल ऑडिट पर्सोनैल्स अब ये इंटरनल ऑडिट पर्सोनैल्स क्या कर रहे होते हैं ये इनफैक्ट उस इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है उसको चेक कर रहे होते हैं कि ठीक प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही देखिए इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट जरा अब आप लोगों का लेवल ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको बड़ा आसान करके समझाना चाह रहा हूं बात को आप जिस अदारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जुम्मेदार हैं वहां पर आप एक इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट डिवेलप कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज को वेजिस पे करनी है उसके बारे में आप एक इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं कि एम्प्लॉयज की डेली अटेंडेंस लगेगी जो वर्कशॉप एम्प्लॉयज हैं उनकी डेली अटेंडेंस लगेगी अब वो डेली अटेंडेंस पर बेस करके उनकी वेजिस कैलकुलेट की जाएंगे और फिर उनको वीकली वेजिस पे की जाएंगे अब यहां पर अगर एक एम्प्लॉय किसी दिन वर्कशॉप में आया ही नहीं उसने वर्कशॉप में काम ही नहीं किया अटेंडेंस उसकी लगा दी किसी ने उसको तो वेजिस मिल जाएंगी ना उस दिन की यहां पर अब क्या इंटरनल कंट्रोल है क्या इंटरनल चेक है कि वो एंप्लॉय जो एबसेंट है वो सैलरी या वेजेस ना ले सके समझ रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की बात क्या है अब इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करेगी मैनेजमेंट कि जो इंप्लॉय मौजूद हो काम पर उसी को वेजिस मिल सके और जो इंटरनल ऑडिट पर्सनल होगा वो देखेगा कि क्या वाकई जो वेजिस पे की जा रही हैं, ये उसी एम्प्लॉय को वेजिस पे की जा रही हैं जो कि मौजूद था काम के लिए आया हुआ था ये फर्क है इन दोनों में सो so, ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है देखिए यहां पर मैंने लफज इस्तेमाल किया इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर इज़ इनफैक्ट इम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट पर्सन एल्स दीज आर दीपल हु आर एम्प्लॉ ऑफ द कंपनी कंपनी इनको एम्प्लॉ के तौर पर अपॉइंट करती है इन्होंने कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में देखना होता है कि वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द इंटरनल कंट्रोल ही प्रोसेस हो रही हैं और फिर बाद में वो अपना ओपिनियन पेश कर देता है एक्सटर्नल ऑडिटर ओपिनियन पेश करता फॉलो कर रहे हैं बात को लिहाजा ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर ठीक है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट पर्सोनल को भी इंक्वायर करता है नेक्स्ट देखते हैं कि आप ऑडिटर किसको इंक्वायर कर रहा है और क्यों इंक्वायर कर रहा है अब जी ऑडिटर इंक्वायर कर रहा है इंप्लॉयज को हु आर इन इनिशिएटिंग प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजल ट्रांजेक्शन अब ये कौन लोग हैं ये कौन से इंप्लॉइज हैं इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो के अकाउंटिंग कर रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट है चीफ अकाउंटेंट्स अकाउंट्स मैनेजर्स ये वो लोग हैं अब इनको एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और इंक्वायर करता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों के ऊपर भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दीज आर द पीपल हु विल हुक्ट एंड अप्लाई द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिफाइड लोग होते हैं ये मिडिल मैनेजमेंट में आ रहे हैं अब ऑडिटर ने इनको जब इंक्वायर करना है, तो ऑडिटर को क्या इंफॉर्मेशन हासिल होनी है क्या मालूम हासिल होनी है वो इंक्वायरी के जरिए से ऑडिटर यह मालूम करता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट की गई हैं और अप्लाई की गई हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं बहुत अहम बात है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन इज दिस अप्रोप्रिएट और नॉट ये एक्सटर्नल ऑडिटर को कैसे पता चलता है जब वो मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर आकर इंक्वायरी करता है किन लोगों को उन लोगों को इंक्वायर करता है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन अब जब बात कॉम्प्लेक्स की आ रही है तो डेफिनेटली वहां पर फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात आएगी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपने ऐसी चंदक बातें पढ़ रखी हैं So, अब ऑडिटर मजीद आगे कुछ लोगों के पास जाता है इंक्वायरी के लिए अब देखिए यह असेसमेंट प्रोसीजर है जो ऑडिटर अपनाए हुआ है इस असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिटर को हासिल क्या हो रहा है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल ठीक है अच्छा जी अब ऑडिटर किसके पास जा रहा है ले जी ऑडिटर पहुंच गया इन हाउस लीगल काउंसिल इन हाउस लीगल काउंसिल कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर जो कि एम्प्लॉय है कंपनी का उनके पास अब ऑडिटर गया। कंपनी सेक्रेटरी मालूम है ना आपको ये सेक्रेटरी वो नहीं जो कि आप समझते हैं कि किसी ऑफिस के बाहर मेल या फीमेल बैठे हुए होते हैं और टेलीफोन अटेंड कर रहे होते हैं और अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं वो सेक्रेटरी नहीं है ये बड़ा एक प्रोफेशनल लेवल की जॉब है कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ दैट एंटिटी जितने भी कंपनी के अफेयर्स होंगे मीटिंग्स कब होनी है कौन से डॉक्यूमेंट्स कब आपने रजिस्ट्रार को भेजने हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स कब आपने एस सी को भेजने हैं और जितनी भी स्टेचूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफिल करना है उसको पता हो कि जी कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ना की तो क्या जुर्माना उसको अदा करना पड़ेगा कंपनी को वगैरह वगैरह जो शख्स कंपनीज ऑर्डिनेंस और रिलेटेड लॉज जो हैं उनके बारे में मालूम रखता होगा और कंपनी को अकॉर्डिंगली चला रहा होगा वो कंपनी सेक्रेटरी है और दूसरा उसका लीगल एडवाइजर जो एम्प्लॉय है अब ऑडिटर उनके पास चला गया उनसे इंक्वायरीज कर रहा है अब ऑडिटर को क्या हासिल हो रहा है Such inquiries may relate to such matters as litigation, compliance with laws and regulations, knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity, warranties, post sales obligations, arrangements with business partners like joint ventures, and the meaning of contract terms. तो आपने देखा कि कितनी पेचीदा मसाइल हैं जिनके बारे में नॉलेज हासिल होता है ऑडिटर को इन लोगों से मुलाकात के बाद अब वो मालूम करना चाह रहा है इनफैक्ट कि क्या लॉ को फॉलो किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए कोई लिटिगेशंस तो नहीं है डीलिंग्स जो कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कर रही है कर्जा लिया हुआ है क्या उनके साथ कोई लिटिगेशंस तो नहीं चल रही अब अगर उसको इन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वो ऑडिटर इन एरियाज में जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स या अकाउंट बैलेंसेस इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में ज़्यादा संजीदगी के साथ ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा अटेंटिव हो जाएगा इस एरिया पर अपनी एक्सटेंट बढ़ा लेगा मटीरियालिटी की ताकि रिस्क कम अज कम हो याद है यह बात भी हमने पढ़ी थी ऑडिट रिस्क एंड मटीरियालिटी के रेफरेंस में कि अब इन एरियाज के बारे में अगर देखे ना अगर ऑडिटर जो इनके पास जाता है उसको पता चलता है कि जी कोई लिटिगेशन नहीं है कोई ऐसी पेचीदा ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि ड्यूरिंग द ईयर की गई हो जिसमें कि इस तरह की लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हुए हों तो आटोर रिलैक्स हो जाएगा चलें जी ठीक है ऐसे मैटर्स तो नहीं है अब वो अगर लोन्स को वेरीफाई कर रहा है या लोन की रीपेमेंट्स की तरफ उसकी वेरिफिकेशन हासिल कर रहा है या इंटरेस्ट ऑन लोन्स की कैलकुलेशंस की तरफ वो चेक कर रहा है कि वो ठीक कैलकुलेट हुए हुए हैं या नहीं या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनके बारे में वो अगर देख रहा है कि कोई नई पार्टीज हैं जिनके साथ कोई जॉइंट वेंचर किया गया है अगर ऐसी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है या हमारे पास इस किस्म की ट्रांजेक्शन या इवेंट्स ही नहीं हैं तो आइटो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है मैं अपनी एक्सटेंट को नॉर्मल रखूंगा और फिर इस पर ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर दूंगा लेकिन अगर उसको इस एरिया में मालूम होता है लीगल एडवाइजर के साथ इंक्वायरीज के बाद कंपनी सेक्रेटरी के बाद जब जाता है उसके साथ इंक्वायरीज के बाद जब ऑडिटर को मालूम होता है कि यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो डेफिनेटली अब वो ऑडिट एविडेंस हासिल करते वक्त ज्यादा अटेंटिव होगा विजिलेंट होगा इनावे कि कहीं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है रह रहना जाए उसने ओपिनियन फॉर्म करना है कि जी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है मेरी बात को फॉलो करके यस yes. अब नेक्स्ट ऑडिटर साहब कहां जा रहे हैं मार्केटिंग और सेल्स पर्सोनल्स के पास जा रहे हैं जी अब यहां से जो इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है

और फिर अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इतनी हैवी हैं, तो क्या अकॉर्डिंगली सेल्स हो रही हैं या नहीं मैच भी तो एक होना चाहिए ना बहरहाल ऑडिटर ने इन तमाम एरियाज पर अपनी नजर रखनी होती है सो so, हमने ये देखा कि ऑडिटर मैनेजमेंट से लेकर एंप्लॉयज तक हर किसी के पास जाता है उसमें डायरेक्टर्स क्या लीगल एडवाइजर्स क्या मिडिल मैनेजमेंट क्या इवन ये सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट से मुतल जो लोग हैं वो लोग भी उन सब को जाके इंक्वायर करता है और उस एंटिटी के बारे में मुख्तलिफ मालूम हासिल करता है अब ये एक प्रोसीजर हमने पढ़ा जिससे कि वो असेस कर रहा है कि किस किस्म की मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं किन किन जगहों पर अब एक तो यह एक प्रोसीजर है आपको याद है मैंने आपको तीन प्रोसीजर्स बताए कि जिसके तहत ऑडिटर मालूम हासिल कर सकता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में मैंने आपसे कहा था पहली बात तो ये कि इंक्वायरीज करता है वो मैनेजमेंट की एंड अदर्स विद इन द एंटिटी दूसरी बात ये कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है और फिर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन की बात की थी मैंने सो so अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करने जा रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की मेन हेडिंग उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में पहली बात थी इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट अदर पर्सोन वो बात हो गई अब दूसरी बात एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में मैं आपसे करने जा रहा हूं कि ऑडिटर कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपनाता है उस एंटिटी की एनवायरमेंट के बारे में इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग्स हासिल करने के लिए अच्छा अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या हैं? बड़ी सादगी में इसको समझें। ये है एक किस्म का रेशियो एनालिसिस वो देखना ये चाह रहा है कि इस साल हमारी जो सेल्स हैं वो पिछले साल की निस्बत कम है या ज्यादा है हमारी अगर सेल्स पिछले साल से ज्यादा हो गई हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए वो ज्यादा हुई है या नहीं हुई एनालिटिकल होकर वो इन सारी चीजों को देख रहा है तनकीदी नजर के साथ वो देख रहा है इन सारी चीजों को पिछले साल कितने एम्प्लॉज के साथ ये एंटिटी काम कर रही थी और इस साल सेल्स अगर बढ़ गई हैं तो employees कितने हैं पिछले साल प्लांट कैपेसिटी क्या थी इस साल नए प्लांट परचेज किए हैं हमने तो हमारी प्लांट कैपेसिटी जो है इंक्रीज होना चाहिए थी अकॉर्डिंगली सेल्स भी बढ़ना चाहिए थी हमारे प्रॉफिट्स पिछले साल में कितने थे इस साल में कितने हैं ये अभी वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पकड़े हुए याद रखिएगा अभी ये इनिशियल स्टेज पर है अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखता है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स उनके ऊपर अप्लाई करता है अब जब हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं तो इनमें बुनियादी तौर पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात भी आती है वर्टिकल एनालिसिस की बात भी आती है रेशो एनालिसिस की बात भी आती है और इवन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एनालिटिकल हो रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर याद है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस क्या थे और रेशो एनालिसिस थी पढ़ी हुई है आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में याद करवा देता हूं आपको हॉरिजोंटल एनालिसिस आप इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं कि आपने इस साल की इन्फॉर्मेशन को किसी बेस ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना है जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इस साल की सेल्स पिछले साल या आज से पाँच साल पहले की सेल्स के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं आप इस साल जितने नंबर ऑफ इंप्लॉयज हैं उनको पिछले साल या पांच साल पहले के नंबर ऑफ इंप्लॉयज के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस साल के जितने आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज हैं आप देख रहे हैं क्या इतने ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके पास पहले सालों में भी थे या नहीं ये आप ट्रेंड देख रहे हैं याद रखिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन का आप ट्रेंड देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अब वर्टिकल एनालिसिस क्या है वो है कॉमन साइज एनालिसिस आप इस ही साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसी साल की किसी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर बेस करके मालूम करते हैं कि परसेंटेज क्या है दिस इज नॉन एज वर्टिकल एनालिसिस कॉमन साइज एनालिसिस लाइक इनकम स्टेटमेंट में हम नॉर्मली सेल्स को बेस बनाते हैं और तमाम इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को सेल्स के ऊपर परसेंटेज के तौर पर मालूम कर लेते हैं अच्छा इसी तरह हमने अकाउंटिंग रेशोस की भी बात करनी है अकाउंटिंग रेशियोज भी मैं अब आप आपको याद दिला दू ना कि अकाउंटिंग रेशोस में आपको याद होगा कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैलकुलेट करना सीखी थी फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो वो जिसमें करंट रेशो और क्विक कैसेट रेशो आपने कैलकुलेट की थी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में आपने कैलकुलेट करना सीखा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन ऑनर्स एक्विटी फिर आपने मैं मोटी मोटी रेशोज आपको बता रहा हूं। आपने उसके बाद सॉल्वेंसी रेशोज की बातें की थी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज की जिसमें के कैपिटल गेरिंग रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो और फिर एक्टिविटी रेशोस जिसमें एसेट टर्नओवर ओवर रेशो कैपिटल आपने सीखी हुई एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे होते हैं तो आप वर्टिकल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं और रेशो एनालिसिस भी कर रहे होते हैं और याद रखिएगा मैं दोबारा से बात कर रहा हूं कि तमाम एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नहीं कर रहे होते आप इसमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं जैसे कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इसी तरह से आप देख रहे होते हैं कि नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने ड्यूरिंग द ईयर नए अपॉइंट हुए कितने छोड़कर चले गए एंप्लॉयज टर्न ओवर एशो इसी तरह से आप प्लांट कैपेसिटी के बारे में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बारे में भी एनालिटिकल हुए होते हैं अब ये वो स्टेज है कि आप एनालिटिकल होकर एक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर रहे हैं उस एंटिटी के बारे में अब वो क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही इसके बारे में आपको पता चलता है फिर ऑडिटर को मालूम होता है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट प्रेजेंट एज पर एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट अब ये तमाम मालूमत ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने के बाद हासिल हुई इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगाकर ऑडिटर उस एंटिटी के बारे में मजीद साहेब इलम हो गया उसको मालूम हो गया कि किन एरिया में फ्लक्चुएशन है अब वहां पर वो ज्यादा विजिलेंट होगा अपनी एक्सटेंट बढ़ा देगा उसको मालूम हो गया कि फलानी जगह पर फलाना एरिया में तो वह एक्सपेक्ट ही नहीं करता था के इस तरह की तब्दीली होगी या इतनी फ्लक्चुएशन होगी जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर सेल्स बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स भी तो बढ़नी चाहिए आप कहे कि सेल्स तो ज्यादा हुई हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स पिछले साल से काम है वो कहेगा ये कैसे हो सकता है मुमकिन ही नहीं है ठीक है ना मैच ही नहीं कर रही बात पिछले ट्रेंड से वो मुताबक नहीं रखती बातें लिहाजा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाकर उन एरियाज़ को पहचान लेता है जिन एरियाज़ में फ्लक्चुएशन होती हैं, या अनएक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट होते हैं अच्छा जी मैंने आपको एक तीसरी बात भी बताई थी ऑब्जर्वेशन से मुताल आपको याद है तीन बातें थी एक इंक्वायरीज के जरिए से वो एसेस करता है दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स के जरिए से और तीसरा ऑब्जर्वेशन के जरिए से तो वो जो ऑब्जर्वेशन हैं ऑडिटर की उसकी तरफ अब हम बात को लेकर चलते हैं कि ऑडिटर ऑब्जर्वेशन मींस कि ऑडिटर चलते हुए भी कई बातें ऐसी ऑब्जर्व कर लेता है कि वहां पर जहन बना लेता है कि अच्छा मैंने अब इस एरिया को जब वेरीफाई करना होगा तो ये मेरी एक्सटेंट होगी वर्क की फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में फॉर एग्जाम्पल अब वो ऑडिटर एंटिटी की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है और एंटिटी के ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा है अब यहां से जब एंटिटी की एक्टिविटीज या ऑपरेशन को ऑब्जर्व करता है तो उसे मालूम होता है कि लाइक इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल की बात है रॉ मटेरियल जब वर्कशॉप को इशू किया जाता है तो क्या बगैर डॉक्यूमेंट्स के ही वो इशू कर दिया जाता है या बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स को बेस करके इशू किया जा रहा है देखो ना इंटरनल कंट्रोल बना हुआ है ओके okay, ही बना हुआ है उधर इंटरनल ऑडिटर ने भी कह दिया हाँ मैं जनाब ये सारी चीजें फॉलो कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लाइक इशू ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉपरली हो रहा है अब ऑडिटर जाता है चुपके से देखता है उस स्टोर में ऑब्जर्व कर रहा है कि यहां से स्टोर इश्यूज कैसे हो रहे हैं रॉ मटेरियल कैसे किया जा रहा है है स्टोर से क्या बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन या नहीं इसी तरह से वो जो एम्प्लॉयज की हाजिरियों वाला सिलसिला था ऑडिटर खुद जाता है ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज को और फिर एक नॉलेज हासिल करता है फिर ऑडिटर इंस्पेक्शन करता है डॉक्यूमेंट्स की जिसमें के बिजनेस प्लान भी होते हैं स्ट्रेटजीज भी होती हैं कुछ उनको भी वो इंस्पेक्ट करता है और बिजनेस के रिकॉर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स की भी वो इंस्पेक्शन करता है वो देखता है उसको पढ़ता है उसको पढ़ के मालूम हासिल करता है कि काम किस तरह से होने चाहिए ठीक है अभी जस्ट वो मालूम हासिल कर रहा है एंटिटी की अभी वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा इस इंस्पेक्शन को वेरिफिकेशन के रेफरेंस में मत समझिएगा ये जस्ट वो इंस्पेक्शन कर रहा है मैनुअल्स पढ़ है। फिर रीडिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाय द मैनेजमेंट अब ये रिपोर्ट्स कौन सी हैं लाइक इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स अच्छा यहां पर जब रीडिंग रिपोर्ट्स की बात आ रही है तो वो जो लोग गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे हु चार्ज विद द गवर्नेंस, उनकी भी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनको भी ऑडिटर रीड आउट करता है लाइक मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स इनको भी ऑडिटोर रीड आउट करता है यहाँ से भी वो नॉलेज हासिल करता है कि क्या फैसले हुए थे फिर अकॉर्डिंगली वो देखता है कि इनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकॉर्डिंगली उनको अकाउंट फॉर किया गया या नहीं अच्छा ऑडिटर साथ ही साथ एंटिटी के प्रेमिसेस का भी प्लांट फैसिलिटीज का भी विजिट करता है अब यहां से भी उसको खासी इंफॉर्मेशन मिलती है जस्ट एक जनरल वॉक थ्रू जिससे कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है कि काम किस तरह से चल रहे हैं प्लांट फैसिलिटीज़ क्या हैं इम्प्लाइज को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है प्लांट पर वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है कौन किसके साथ कितना सख्ती से और कितना नरमी से पेश आता है क्योंकि सख्ती और नरमी भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के मिसाइल क्रिएट करती है ले जी ये ऑब्जर्वेशंस इंस्पेक्शंस की बात कंप्लीट हो गई अब ये तमाम जो उसने नॉलेज हासिल किया ऑडिटर डिस्कस करता है आप इसमें अपनी टीम के साथ और फिर यह डिस्कशन जो होती है फर्दरेंस ऑफ द ऑडिट वर्क के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है उसको आपस में डिस्कस करके इनफैक्ट वो उन एरियाज को पहचानना चाह रहा है जिस पर के उसने एम्फिसाइज करना जिस पर कि उसने अपना एक्सटेंट को बढ़ाना या काम करना ताकि हाँ ऑडिट रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके ठीक है ना और वो ये सॉलिडली ओपिनियन दे सके कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट हैं ठीक है जी ओके जी ये थी हमारी आज की गप शप नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्टैंडर्ड को लेकर हम चलेंगे तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अला हाफि